छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय कृषि मेले और संगोष्ठी में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारी सरकार किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करेगी। छत्तीसगढ़ की पहचान भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्य के रूप में होती है। किसानों की मेहनत और परिश्रम के कारण ही यह धान का विपुल उत्पादन होता है और छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के किसानों की चिंता की। उन्होंने किसान को साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। उन्होंने देश और प्रदेश के करोड़ों किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का काम किया। इससे किसानों को काफ़ी राहत मिली। 13 साल से इस क्षेत्र में किसानों को कृषि के क्षेत्र में मतलब जागरूक करने का काम कर रहा है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के किसान भारी मात्रा में सब्जी उगा रहे हैं, मतलब फल उगा रहे हैं और आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। तो इस संघ के लिए भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आगे किसानों को प्रोत्साहित करते रहे। न्याय योजना की अपन चौथी किस्त जारी कर रहे हैं, तो ये योजना आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। देखिए, हम लोग 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, प्रति एकड़ 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। जो अंतर की राशि है उसको एकमुश्त देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।